जादव ने व्यापार विषय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एक केमिकल की जानकारी शेयर कर रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस केमिकल का नाम है कोका अमाइड मोनोइथेनॉल अमाइन, जिसे हम कोका अमाइड मिया के नाम से जानते हैं या कोकोनट मोनोइथेनॉल अमाइड के नाम से भी जाना जाता है। आज के वीडियो में कोको मोनोइथेनॉल अमाइड क्या है, इसकी बेसिक जानकारी, CMEA इसका शॉर्ट फॉर्म है, CMEA का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इस्तेमाल करने की वजह क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी जानेंगे। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि CMEA का कब इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। रेगुलर मैन्युफैक्चरर और नए मैन्युफैक्चरर हो तो उन्हें ये जानना ज़रूरी है। वीडियो से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना ज्ञान बढ़ाते दूसरों का भी ज्ञान बढ़ाते में मदद कीजिए। जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। आज का सबसे पहले देखिए, यह कोको मोनोइथेनॉल अमाइड, ये इसको शॉर्ट में हम CMEA के नाम से जानते हैं। CMEA इसका फुल फॉर्म है कोका अमाइड मोनोइथेनॉल अमाइन या कोका अमाइड एमिया या कोकोनट मोनोइथेनॉल अमाइड। यह दिखने में ऑफ वाइट कलर्ड सॉलिड फ्लेक्स होते हैं। यह बायोडिग्रेडेबल, नॉन आयनिक और को सर्फेक्टेंट के तौर पर काम करता है। इसे जब हम हीट करते हैं तब यह पेल येलो कलर्ड विस्कस क्लियर लिक्विड बन जाएगा। यह बनाने के लिए फैटी एसिड और कोकोनट का फैसी एसिड का मिक्सचर लेकर उसे इथेनॉल अमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे, तब जाके कोकोमोना इथेनॉल अमाइड बनेगा। अब देखिए इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन। केमिकल फार्मूला है CH3CH2N-C(O)N और यहाँ पर इथेनॉल जो यहाँ पर ग्रुप बता रहा हूँ, चेन बता रहा हूँ, यह यहाँ पर देखिए सिंगल मॉलिक्यूल बता रहा हूँ और यन यहाँ पर 8 से लेकर 18 तक होता है। इसका कैश नंबर जो है केमिकल एक्सट्रैक्ट नंबर, आपको परचेस सेल करना हो तो यह नंबर बहुत ज़रूरी होता है, 68140-001। इसी नंबर है 268770-2। इसका डेंसिटी जो है 1.095 ग्राम पर ml है। इसका pH वैल्यू यह 9 से लेके 10.5 के बीच में होता है। यह pH वैल्यू चेक करने के लिए आपको 1% सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन का pH चेक करना होगा। टी के बारे में बात करेंगे, यह वाटर में इनसोल्यूबल है। इथेनॉल और PEG और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जो भी है, यह इनमें हर प्रोपोर्शन में मिक्स किया जा सकता है या सोल्यूबल हो सकता है, उसी के बाद इसे प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सबसे पहले देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, CMEA इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और इस्तेमाल करने की वजह क्या है। सबसे पहला इसका इस्तेमाल यह बाथ प्रोडक्ट में, बार, बॉडी वॉश लिक्विड, शॉवर जेल और लिक्विड सोप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं कुछ ब्रांड्स के प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, इनमें यह इस्तेमाल किया जाता है। यह सब ब्रांडेड प्रोडक्ट है और इसका क्वालिटीज़ इसी केमिकल के वजह से बहुत अच्छा आता है। अब इसका मेन पर्पज़ है डालने का इंक्रीज द फोम कैपेसिटी एंड फोम स्टेबिलाइजेशन, यह इसका मेन रीज़न है इन प्रोडक्ट में इस्तेमाल करने का। जो सेकंड है इन हेयर शैम्पू प्रोडक्ट, यहाँ पर कुछ ब्रांड्स के मैं इमेजेस आपको बताई हैं। यह ब्रांड इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाते हैं। शैम्पू में डालने का इसका मेन वर्जन है, एक तो यह फोम अच्छा देगा और सेकंड आपके प्रोडक्ट की विस्कोसिटी बढ़ाने में विस्कोसिटी बूस्टर के तौर पर काम करता है, इसलिए यह इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसका कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करने की मेन वजह रहती है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट यह परफ्यूम को मिक्स करने के लिए और फोमिंग एजेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल, यह स्कोरिंग एजेंट यानी स्काउरिंग एजेंट यह होता है जब भी डाइंग या यहाँ पर कभी आप बिफोर डाइंग या उसके वॉशिंग किया जाता है, उस वक्त मशीन का या किसी ऑयल का स्टेन अगर उसके ओर होगा, वहाँ निकालने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसमें मुख्य घटक यह CMEA का इस्तेमाल किया जाता है।
यह निर्भर करता है कि कौन सी क्वालिटी का मटेरियल है और किस पर यूज़ होने वाला है। उस सरफेस पे से CMEA या CDEA, इसमें से दोनों में से एक इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है देखिए, और इसका पांचवा इस्तेमाल यह लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स और डिश वॉश डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ इसे इस्तेमाल करने की वजह यह होती है, ये वहाँ पर लेदर स्टेबिलाइज़र यानी जो भी झाग बनेगा वह आपका झाग बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का दिखना चाहिए और वो ज़्यादा देर तक टिका रहना चाहिए। वो टिका रहे इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें इसे कहाँ, इन विच प्रोडक्ट इट इज़ यूज, इसे कहाँ और किन प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपको डिस्टिंग्विश कर जाना चाहिए या पता होना चाहिए। इट इज़ मेनली यूज व्हेन एनी प्रोडक्ट कंटेन अनायनिक बेस सर्फेक्टेंट, दैट टाइम ओनली इट वर्क एक्सलेंटली। जैसे कि SLES, ALS, सोडियम लॉरिल साइक्रोसिनेट, सोडियम मैरेट, सोडियम पैरेट सल्फेट, सोडियम स्टेरेट या EOS। आप देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया है इसका यह मतलब है इसे उस वक्त इस्तेमाल करना है जिन प्रोडक्ट में अनायनिक बेस सर्फेक्टन का इस्तेमाल करेंगे उसी वक्त आप CMEA का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सोल्युबिलिटी इन प्रोडक्ट में ही अच्छे से आएगा और उसके बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसका और एक बेनिफिट देखिए, ड्यू टू इट्स लो अमाइन वैल्यू इन मेनी प्रोडक्ट pH एडजस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। लो अमाइन वैल्यू के कारण इसका आपको जब भी इस्तेमाल करेंगे तो फिनिश प्रोडक्ट का pH एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने बहुत से पॉइंट बताने का प्रयास किया। अगर आपको किसी पॉइंट पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मैं उस पर काम करके रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।